आइसक्रीम हम कभी भी ले सकते हैं, फेस्टिवल हो, ओकेशन हो, किसी भी फंक्शन में भी। तो आज हम फ्रेश फ्रूट की आइसक्रीम्स बनाएंगे, नेचुरल्स। तो आप देख सकते हैं मैंने बेस बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कैसे बनाना है। तो 1 लीटर मिल्क का है, तो हम इसे यहाँ हाफ ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें 2 अलग फ्लेवर्स की बनानी है। इसीलिए आप देख सकते हैं गुआवा में थोड़ा प्रोसीजर करना पड़ता है, 2 से 3 मिनट के लिए हमें थोड़ा सा बॉईल करना पड़ता है, फिर हम ठंडा होने के बाद इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे और इसका बहुत प्लेन एक अच्छा वाला बना के रख लेंगे पल्प। अभी इसको छानेंगे तो आप देख सकते हैं कितने सारे बीज हैं, नहीं छानते तो सारे मुँह में आते और आइसक्रीम बिगड़ जाती। तो ये हमें प्रोसीजर करना है। आप देख सकते हैं अभी ये पल्प ऐड कर लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स रेड कलर के, क्योंकि नेचुरल कलर नहीं आया है इसीलिए मैंने यूज़ किया है यहाँ कलर, एसेंस हम यूज़ नहीं करेंगे। और 150 ml हमने क्रीम लिया है, आप देख सकते हैं, और उसको विप करेंगे। अभी आपने क्वांटिटी देखी थी, और पूरा विप करने के बाद आप क्वांटिटी देखना कितना हल्का और वॉल्यूम बढ़ जाता है आइसक्रीम का। आप देखोगे कलर थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा और डाला है। एक साथ बहुत कलर ऐड नहीं करने चाहिए, कभी कभी कलर एक्सेस हो जाते हैं, थोड़े थोड़े कलर यूज़ करने चाहिए। आप देख सकते हैं परफेक्ट गोवा का जो अंदर का कलर होता है ना, वैसा ही कलर आया है इसका। और अभी हम सेट कर देंगे, वॉल्यूम देख सकते हैं कितना बढ़ चुका है। तो हाफ लीटर मिल्क में से 1 लीटर का वॉल्यूम का हमें आइसक्रीम मिलता है। अभी हम सर्व सेट होने के बाद सर्व करेंगे इसको। नमक और मिर्ची के साथ सर्व करना चाहिए, बहुत टेस्टी लगता है। सेकेंड हम लेंगे सीताफल फ्लेवर। सीताफल फ्लेवर के लिए अगेन हमें बेस लिया है 1/2 लीटर मिल्क का। अगेन मैंने 150 ml मिल्क लिया, क्रीम लिया है, जो मैंने व्हिप क्रीम लिया है। आप घर की मलाई 1 कटोरी भर के भी ले सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। अभी हम जो मैंने 5 से 6 यानी 500 ग्राम्स ऑफ सीताफल मैंने लिए हैं, आप देख सकते हैं मैंने सारों के पल्प निकाल लिए हैं, और बहुत अच्छे लगते हैं सीताफल, जब भी मुँह में आते हैं आइसक्रीम खाते हुए बहुत टेस्टी लगते हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम सारों को मिला के व्हिप करेंगे तो सारी आइसक्रीम में जो सीताफल होंगे वो घुल मिल जाएंगे और बहुत टेस्ट आएगा। और यहाँ किसी भी इस सब का इंटेंस फ्लेवर होता है, सेल्फ फ्लेवर, तो हमें अलग से एडिबल फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, सेम 1/2 लीटर का लिया है 1 लीटर तक बढ़ जाती है। अभी हम इसको सेट कर देंगे। ये जो कंटेनर है वो 1 लीटर का है, आप देख सकते हैं पूरा भर चुका है। अभी हम इसको 7 से 8 घंटे के लिए सेट करेंगे ओवरनाइट। फ्रेश आइसक्रीम्स किसी भी फ्लेवर की बना सकते हैं, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर आपको बर्फ़ आइजी लगता है, ज़्यादा बर्फ़ का पार्ट लग रहा है जमने के बाद, तो हमें 1 घंटा आधा घंटा बाहर निकालने के बाद वापस एक बार व्हिप करके हमें वापस सेट करना चाहिए। तो आइसक्रीम में जो बर्फ़ वाला पार्टिकल लगता है, जैसा लगता है ना आइसक्रीम, वैसा वो नहीं लगेगा। तो ये एक टिप है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरी सेट हो चुकी है 8 आवर्स के बाद। थोड़ी सी नेचुरल पल्प के वजह से एकदम क्रीमी टेक्सचर नहीं आता है, थोड़ा सा हल्का सा क्या बोलते हैं आइजी, यानी थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, तो सॉफ्ट ही बनती है आइसक्रीम। और जैसे मैंने आपको दिखा बोला, आप सेकेंड टाइम इसको चर्न व्हिप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंकल डाल के इसको सर्व कर रही हूँ। अगर आपको ऐसे पसंद है तो ऐसे खाइए, नहीं तो नॉर्मल खाइए। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एन्जॉय। आप भी बनाना आइसक्रीम, फिर कमेंट करना कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। एन्जॉय।